हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। ठीक है, तो एक बार तो हम ये देख लेते हैं कि उसकी फॉर्मेशन क्या होगी ऐसे सेंटेंस की। तो जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ऐसे सेंटेंस में, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैंज़ या हैव। ठीक हैंज़ या हैव में से हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस होगा उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव में सेम यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना सारा, ये यही स्ट्रक्चर होगा सेम, जैसे मैंने इसको कॉपी करके ही यहाँ नीचे लिखा है। बस यहाँ पे आपको जो हैज़ और हैव है ना, इसके साथ आपको नोट और मिलेगा, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट, हैज़ नोट और हैव नोट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको नेगेटिव में। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की, तो एक बार हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे हम लिख लेते हैं इंटरोगेटिव। तो मैंने लिखा ये इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव देखते हैं अब इंटरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो इंटरोगेटिव में यही स्ट्रक्चर मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा कि आपको जो हैज और हैव है ना, ये यहाँ से उठ करके और ये आ जाएगा शुरू में, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। लास्ट में जो फुल स्टॉप है इसकी जगह मिलेगा क्वेश्चन मार्क। ये तो है इंटरोगेटिव में वो, मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका जो रिप्लाई होता है वो यस नो होता है, या तो यस में या नो में। हम जानते हैं कि जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर जो लिसनर है उसको यस या नो में ही देना होता है। ठीक है, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको हम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन कहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे बनेंगे, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है, डब्ल्यू एच जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले जिसमें डब्ल्यू एच होता है, जैसे वैन, वाई, वेयर, हाउ, ठीक है, इस तरह के शब्द मिलेंगे। और उसके बाद जो है ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर था, ये यही स्ट्रक्चर जो है इनके बाद मिलता है, इसके बाद यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इन्फॉर्मेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से, जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो इस प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड से आपको शुरू मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये इन्फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है, जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू मिलेगा। डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि यहाँ पे हम लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं वैन वैन वाई वेयर, ठीक है, और हाउ, इनसे शुरू मिलेंगे। अब कुछ और भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनसे जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, वो हैं जैसे हु। अगर हु से बनेगा तो हु के बाद आपको हैज़ या हैव मिलेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये ऐसा सेंटेंस होगा जो हु से शुरू होगा। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस हुम से भी शुरू होते हैं, तो अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस और वो होम से शुरू है तो उसमें आपको कुछ ऐसा मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा होम, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, जैसे हैज़ या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको
एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेंटेंस हु से शुरू है उसमें आपको हु मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको हु मिलेगा, उसके बाद हैज या हैव मिलेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जो सेंटेंस होम से शुरू मिलेगा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें आपको होम मिलेगा सबसे पहले, उसमें उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम जो पैसिव वॉइस हैं, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो चेंज करना सीखते हैं, तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। तो एक बार इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो हम वो रूल्स देख लेते हैं अब कि जब हम किस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला तो है जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बना देते हैं सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के सेंटेंस का क्या बन जाता है, ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो ये है, मतलब सबसे पहला काम हमें यही करना है, क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करेंगे हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन ओ या हैव बीन। तो हैज़ बीन या हैव बीन में से हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नंबर तीन पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद नंबर चार पे हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये काम हम करेंगे जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, और जब इंटरोगेटिव आएगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो उसमें हमें हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। जब उसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आइए अब कुछ सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और उनको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमें सबसे पहला काम करना होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। तो हमारा जो पहला सेंटेंस हुआ है ही हैज स्टोलन माई पेन, तो सबसे पहले तो हम इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमें जो सब्जेक्ट है वो फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, उसके बाद हम वर्ब देखेंगे क्या है। तो वर्ब है हमारे पास इसमें स्टोलन, ठीक है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी साथ ही लिख लेते हैं, तो ये है स्टोलन हमारी वर्ब हो गई। और उसके बाद हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा पेन। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें पेन, तो यहाँ पर देखिए पेन के साथ माई भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको भी साथ रखना है क्योंकि जो भी अगर नाउन अगर हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है और उनके साथ अगर एडजेक्टिव या डिटरमिनेंट लगे होते हैं तो हम उन एडजेक्टिव और डिटरमिनेंट्स को उन नाउन्स के साथ ही रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया, सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और वर्ब है हमारे पास हैज स्टोलन और ऑब्जेक्ट हमारे पास मैन। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मतलब जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा माई पेन। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नंबर दो पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैज़ बीन या हैव बीन में से, लेकिन अब क्या लगेगी, हैज़ बीन, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो माई पेन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है
ये आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है, जो हमारा नया सब्जेक्ट है जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से बना है, उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पर हम अब हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पेन है जो कि सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट है ही, तो जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हिम। तो ये हमारा होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो सब्जेक्ट है हमारा इसमें दे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है इसमें हमारी हैव कम्प्लीटेड। ठीक है, ये हमारी वर्ब है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा द प्रोजेक्ट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए, अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा द प्रोजेक्ट, तो ये हमने लिख दिया द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ बीन या हैव बीन में से हम हैज़ बीन लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ये हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म कम्प्लीटेड। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद जो सब्जेक्ट दे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दे, तो इसको हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा देम। ठीक है, तो ये हो जाएगा द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाई देम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सी हैज़ सॉल्व्ड द सम्स। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में सी। ठीक है, वर्ब है इस सेंटेंस में हैज सॉल्व्ड और ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का द सम्स। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए, अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा द सम्स क्योंकि ये हमारा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट बना लिया इसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का, तो ये हो जाएगा द सम्स। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यहाँ हम हैव बीन लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे नया सब्जेक्ट वो है द सम्स जो कि प्लूरल है। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, मतलब जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सी है, इसका हो जाएगा हर, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हैव परचेज्ड देयर बुक्स। तो यहाँ पे देयर है, ठीक है, इसको हमें सही करना है पहले, तो देयर बुक्स। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो है द स्टूडेंट्स और उसके बाद हमें वर्ब देखनी है इसमें, तो वर्ब है इसमें हमारी हैव परचेज्ड, ये हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें देयर बुक्स। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए हैं, अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहला रूल क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या है, देयर बुक्स। तो यहाँ पे हम देयर बुक्स लिख देंगे, देयर बुक्स। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ बीन या हैव बीन में से, तो यहाँ लगाएंगे हैव बीन क्योंकि जो बुक्स है वो प्लूरल है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी परचेज्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो है द स्टूडेंट्स, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये द स्टूडेंट्स ही रहेगा क्योंकि ये नाउन फ्रेज है। जब नाउन फ्रेज होती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनको ऐसे चेंज करना है। अब हमने ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लिए हैं, तो अब हम जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उनको चेंज करेंगे। तो देखिए जब भी जो नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें नोट होता है, नोट कहाँ होता है, हैज़ या हैव के बाद। तो हम यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं, हम इन्हीं सेंटेंस को जो है
वो नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक है, इन्हीं को नेगेटिव बना लेते हैं। तो जब इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो इसके बाद नोट मिलेगा, ठीक है, और इसको जब नेगेटिव बनाऊंगा तो इसके बाद नोट मिलेगा हैव के बाद, और इसको जब नेगेटिव बनाऊंगा तो हैज के बाद नोट मिलेगा, और तब इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो स्टूडेंट्स वाले को, इसके बाद मुझे नोट लगाना है, ठीक है। तो ये काम अगर मैं कर लूँगा, मतलब नोट अगर लगा दूंगा मैं, तो ये नेगेटिव बन जाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद हमें इसको चेंज करना होता है। तो देखिए, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करने सीखे हैं अभी, तो ठीक उसी प्रकार से आपको ये चेंज करने हैं। ये कौन से, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको भी आपको वैसे ही चेंज करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब फाइंड ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना होता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ पे आपको नोट एक्स्ट्रा मिलेगा। ये देखिए नोट है ना, ये नोट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, तो ये आपको और यूज़ करना है। अब इसको कहाँ यूज़ करना है, तो इसको क्योंकि ये हैज़ या हैव के बाद आता है, तो हम भी यहाँ पर हैज़ या हैव के बाद ही इसको लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा माई पेन हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाई हिम। अब यहाँ पे अगर नोट होगा तो हम यहीं पे लगा देंगे इसको नोट को, मतलब हैज़ या हैव के बाद आपको नोट लगाना है, बीन लगेगा नोट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जो है हैव के बाद ही इसको लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हैव नोट, और यहाँ पर भी हम इसको नोट को यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा नोट बीन, ठीक है। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस अगर होंगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो उनको हम चेंज कर लेंगे ऐसे। बस आपको नोट एक्स्ट्रा लगाना है, और नोट कहाँ लगेगा, देखिए नोट आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिलेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें आपको नोट मिलेगा, हैज़ या हैव के बाद मिलेगा आपको नोट, तो आपको पैसिव वॉइस में भी वो हैज़ या हैव के बाद ही लगाना है। बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे जो हमने अभी तक सीखे हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो हम वो इंटरोगेटिव सेंटेंस लेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब हैज़ या हैव से शुरू होते हैं। तो उनको जब आप चेंज करेंगे तो देखिए क्या करना है आपको, ये हमने यहाँ पे कुछ रूल्स देखे थे, ठीक है। हमने यहाँ पे जो रूल्स देखे थे, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैज़ या हैव, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हैज़ है शुरू में, ठीक है, सबसे पहले हैज़ है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ही है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, और उसके बाद ये योर पेन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिलेगा। तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्योंकि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो रूल है ना, ये सेकंड जो रूल है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम पहले कर देंगे यहाँ से हटा के, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये चला गया पहले, और नंबर जो वन पे था वो आ गया बाद में। बाद में कौन सा आ गया, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला, ठीक है। तो ये रूल फॉलो करेंगे हम, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को पहले। तो यहाँ पर मैंने जो ये रूल है ये अपना यहाँ पर पेस्ट कर दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस की टेबल में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना, और उसके बाद हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। तो चलिए इन सेंटेंसेस को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब देखेंगे, तो वर्ब है हमारी यहाँ पे स्टोलन। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर योर पेन, ठीक है। ये हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए। अब आपको करना है क्या, अब आपको ये रूल देखना है, ये इसके अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत पैसिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, हेल्पिंग वर्ब से। तो अब हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब में हम या तो हैज़ बीन लगाएंगे, ठीक है, या हम हैव बीन लगाएंगे, यही दो हमें लगानी है यहाँ पे, हैव बीन, ठीक है। तो अब हम क्या लगाएंगे इन दोनों में से, इन दोनों में से हम वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन। तो अब हमें ये देखना है कि जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है।
ठीक है, तो अगर वो सिंगुलर है तो हैज बिन लगाना है, प्लूरल है तो हैव बिन लगाना है, क्योंकि वही जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिवेज के सेंटेंस का, वही यहाँ सब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दूसरा नियम क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो एक्टिवेज के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पर इस केस में, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो योर पेन जो कि सिंगुलर है, तो हमें ये हैव बीन जो है इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने हटा दिया, उसके बाद हमें योर पेन यहाँ पर लिखना है। हेल्पिंग वर्ब तो हमें लगा दी हैज़ बीन, उसके बाद योर पेन। ठीक है, दो काम हो गए हमारे, हेल्पिंग वर्ब भी लगा चुके हैं हम, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है ये भी हम बना चुके हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर स्टोलन। उसके बाद बाई का प्रयोग करना है, उसके बाद हमें जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो इसको हम कर देंगे हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव था तो हमें क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। अब आपको एक काम छोटा सा करना है, वो क्या है कि जो हैज़ बिन लगा हुआ है शुरू में, यहाँ पर आपको जो बीन है ना इसको हटा करके, और ये जो सब्जेक्ट था हमारा योर पेन, इसके बाद रखना है, ये काम और करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदला जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे नेक्स्ट सेंटेंस पे जब हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा दे, उसके बाद हम वर्ब देखेंगे, वर्ब है हमारी इसमें यहाँ पे कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर द प्रोजेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव में से। ठीक हैज़ या हैव में से क्या लगेगा वो डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट जो कि सिंगुलर है, तो हमें हैज़ बीन लगाना है, तो हैज़ बीन लगाने के लिए हमने हैज़ लिखा, लेकिन बीन अभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बनाया मैंने सब्जेक्ट द प्रोजेक्ट, उसके बाद मैं बीन लगाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बीन बाद में रखा था ना, ये बाद में रखा था, ये हैज़ के बाद, देखिए ये मैंने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाया पहले, फिर बीन रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, सबसे पहले हम हैज़ या हैव में से लगाएंगे, उसके बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है मुझे। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड, उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है मेरा दे, उसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये दैम हो जाएगा, तो यहाँ मुझे लिखना है दैम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैज ही सोल्व द सम्स, तो यहाँ पे सबसे पहला काम है सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट है मेरा सी, और वर्ब है यहाँ पर सोल्व, और ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पर द सम्स। ठीक है, ये हमें पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मुझे हैज़ या हैव में से लगाना है, अब हैज़ या हैव में से मैं क्या लगाऊंगा, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाऊंगा मैं, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मैं हैव लगाऊंगा, अगर वो सिंगुलर तो यहाँ हैज़ लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो है द सम्स, ठीक है, जो कि प्लूरल है, तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा हैव, तो हैव, उसके बाद मुझे बीन भी लगाना है, लेकिन बीन मैं अभी नहीं लगाऊंगा, पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैंने सम्स लिखा, फिर मैं बीन लगाऊंगा, उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तो ये हो जाएगा हर, और तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस हैव द सम्स बीन सॉल्व बाई हर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में मेरा जो सब्जेक्ट है वो है द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, उसके बाद वर्ब, वर्ब है मेरी यहाँ पर परचेज्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे देयर बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये देयर बुक्स है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कर देते हैं देयर बुक्स। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए, अब हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है कि देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना। ठीक है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज़ या हैव में से लगाएंगे हम, या तो हैज़ या हैव। ठीक है, तो अब लगाएंगे क्या, ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे देयर बुक्स, तो देयर बुक्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम हैव रहने देंगे,
और हैज़ को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो हैज़ को मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी मुझे बीन भी लगाना है, ठीक है, लेकिन बीन नहीं लगाऊंगा मैं अभी। इससे पहले, बीन से पहले मैं एक्टिवेज के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ये हो जाएगा देयर बुक्स, उसके बाद मैं बीन लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बीन लगाया, हैव देयर बुक्स बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी परचेज्ड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ना, एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी बनी बनाई मिलेगी, तो आपको वही थर्ड फॉर्म लगानी है। तो उसके बाद आपको बाई लगाना है, बाई के बाद एक्टिवेज के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव देयर बुक्स बीन परचेज बाय द स्टूडेंट्स। अब हम उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे ये हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने वही जो रूल्स हैं वही यहाँ पे मैंने पेस्ट किए हैं। ठीक है, तो अब पहले एक बार हम ये सेंटेंस देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर आपको कैसा मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई सेंटेंस वैन वेयर या वाई से शुरू मिलेगा तो उसमें आपको वैन वेयर या हाई शुरू, वैन वेयर या वाई शुरू में मिलेगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ देखिए। ठीक है, वेयर है शुरू में, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है हैव, उसके बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो ये नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन है, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद आपको एक नाउन फ्रेज या कोई प्रोनाउन मिलेगा या कोई नाउन मिलेगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे नाउन फ्रेज है माई बुक्स, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो वैन वाई या वेयर से शुरू होंगे उनमें यह स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो इनमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मेरा यू। ठीक है, उसके बाद वर्ब है मेरी, यहाँ पर वर्ब है पुट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पर माई बुक्स। ठीक है, ये मेरे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए मैंने। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। ठीक है, वेयर माई, वेयर हैव यू पुट माई बुक्स, इसको मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा तो सबसे पहले देखिए ये रूल उन्हीं पे लागू करना है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस वैन वाई या वेयर से शुरू होते हैं। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस वैन वाई या वेयर से शुरू होते हैं और जिनमें जिनको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ रहा है वही इंटरोगेटिव वर्ड लिख देना है। वैन है तो वैन, वाई है तो वाई, वेयर है तो वेयर, या हाउ भी है तो हाउ भी लिख देना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेयर। ठीक है, उसके बाद मैं इस बाकी जो सेंटेंस है मेरा वो देखिए इंटरोगेटिव बच गया, और ये इंटरोगेटिव हम अभी सीख के आए हैं पीछे। ठीक है, यहाँ पर हमें अभी सीख के आए हैं ये। तो सेम इसी तरह इस सेंटेंस को, बाकी जो सेंटेंस उसको चेंज करना है। तो हमने यहाँ वेयर यूज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो वेयर तो आप भूल जाइए। ठीक है, वेयर तो आप यहाँ से भूल जाइए कि हमने ये लगा दिया है, तो इसको तो आप भूल जाइए। अब हमारे पास सेंटेंस बच गया हैव यू पुट माई बुक्स, तो इसको आपको चेंज करना है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देखिए इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़ या हैव में से। अब हैज़ या हैव में से क्या लगेगी ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास माई बुक्स, तो माई बुक्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव। ठीक है, हैव लगेगा क्योंकि माई बुक्स प्लूरल है तो हैव भी प्लूरल है। उसके बाद हमें बीन लगाना होता है, लेकिन हमने इंटरोगेटिव में क्या देखा था कि हम बीन बाद में लगाते हैं, सबसे पहले हम जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बीन लगाने से पहले देखिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। ठीक है, हैज़ या हैव सबसे पहले लगाना है, उसके बाद हमें ये रूल फॉलो करना है, ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद फिर बीन लगाना है। तो हम यहाँ हैव के बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम माई बुक्स, उसके बाद मेरा ये बीन आएगा फिर। ठीक है, ये बीन लगाया मैंने, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। तो सब्जेक्ट है यू, तो इसको मैंने बनाया ऑब्जेक्ट यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये मेरा बन गया इंटरोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस भी वाई से शुरू है, तो वाई से शुरू है तो सबसे पहले मैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख लेता हूँ एक बार। तो मेरा सब्जेक्ट है यू और वर्ब है इस सेंटेंस में अब्यूज्ड, और इसमें मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम। ठीक है, तो ये मेरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद मुझे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
तो इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा यहाँ पे कि ये सेंटेंस वाई से शुरू है, ठीक है। तो वाई से शुरू है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, वाई लगाना है। तो वाई लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मेरा वाई का काम हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से भूल जाता हूँ, हटाना नहीं है, भूल जाता हूँ, मैंने भूल गया इसको। उसके बाद मेरा सेंटेंस बच गया इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव बच गया तो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज किया था वैसे ही इसको चेंज करना है। सबसे वाई के बाद मुझे सबसे पहले क्या लगाना हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। अब मुझे हैज़ बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है, ये डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हिम, तो इसका ही बनेगा जब ये सब्जेक्ट आएगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ बीन लगना है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, मुझे बीन बाद में लगाना है, बीन से पहले मुझे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हो जाएगा ही, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है ये। उसके बाद बात करते हैं उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो वर्ड से शुरू होते हैं। तो देखिए, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ड से शुरू होता है उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ड है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट कब होगा, तो देखिए, अगर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट आता है शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ऐसे केस में व्हाट होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो मेरा व्हाट है ये यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे अब हम बात करते हैं उन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो व्हाट से शुरू होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ड से शुरू होता है तो उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आपको ये देखना है कि उस वर्ड के बाद क्या आ रहा है। तो वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर मेरे इस सेंटेंस में देखिए, ये जो सेंटेंस है मेरा यहाँ पर, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में जो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए शुरू में वट है, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये प्रोनाउन है। देखिए तो इसमें वट क्या हो गया, इसमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ मैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है यहाँ पर वट हैज़ इरिटेटेड द बुल। तो यहाँ पर देखिए ये वट है शुरू में, ठीक है, शुरू में वट है, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए सीधी एक मेन वर्ब आ रही है यहाँ पे, देखिए मेन वर्ब, जबकि इस सेंटेंस में क्या था, इस सेंटेंस में ये हैव के बाद प्रोनाउन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब है, तो यहाँ पर मेरा जो वट है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मेरा ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो जिस सेंटेंस में वट ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है उसमें। तो यहाँ पर जो ये दे है, ये जो दे है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो है दे, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रोकन है ये हमारी वर्ब हो गई। तो यहाँ पर जो द बुल है ये क्या है, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द बुल, ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो जब भी कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है और वो डब्ल्यू जो वट है उससे शुरू होता है और उसमें अगर वट ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में ठीक वैसे ही चेंज करना है जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए ये जो दूसरा रूल है इसको हम पहले यूज करते हैं। मतलब पहले हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऐसे ही हम इसको चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, तो मैं इसको बना लूँगा सब्जेक्ट व्हाट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगा, तो हेल्पिंग वर्ब मेरी हैज़ बीन या हैव बीन, तो व्हाट के बाद आपको हैज़ बीन लगाना हैज़ बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ब्रोकन हो गया,
उसके बाद बाई लगाऊंगा, बाई के बाद जो सब्जेक्ट है मेरा उसको मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या है मेरा, दे है, तो इसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो देम हो गया, ठीक है। तो ये मेरा पैसिव वॉइस में बन गया अब, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया पैसिव वॉइस में, ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस को जिसमें व्हाट सब्जेक्ट है उसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए। तो इस सेंटेंस में जो व्हाट है मेरा सब्जेक्ट है, तो इसको भी मैं वैसे ही चेंज करूंगा जैसे मैंने अभी जो सेंटेंस है वो चेंज किया है, मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दूंगा, तो ऑब्जेक्ट है मेरा क्या, द बुल। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो बुल सिंगुलर है तो मुझे हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जो ये वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये हो जाएगा इरिटेटेड। उसके बाद बाई, बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये जो बाई है उसको, बाई तो मैंने लगा दिया था, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वट, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये वट ही रहेगा क्योंकि वट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, ठीक है। तो ये हो गया अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन देखिए जब कोई किसी सेंटेंस में वट सब्जेक्ट होता है तो उसको आप ऐसे बना लेंगे, यहाँ तक तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बाई और वट जो है ये इसको यहाँ से उठा करके और आपको शुरू में रखना है, ठीक है। यहाँ शुरू में रखना है, ये जो इंटरोगेटिव साइन है ये तो आपको लास्ट में रखना है, ये लास्ट में है मेरा यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने लास्ट में रख दिया, यहाँ पर इसको मैंने लास्ट में लगा दिया, ठीक है। अब मेरा ये सेंटेंस ऐसे था, मैंने क्या किया कि मैं बाई वट जो लास्ट में था इसको उठा के मैंने शुरू में रख दिया। उसके बाद एक काम और करना है छोटा सा, कि ये जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है इसको भी उठा करके और बाई वट के बाद रखना है, तो ये मैंने बाई वट के बाद रख दिया, ठीक है। अब मेरा ये पैसिव वॉइस बन गया। अब मुझे बाई को मैं बड़ा कैपिटल कर देता हूँ और द को मैं टी छोटा कर देता हूँ, तो ये मेरा अब सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में, बाई वट हैज़ द बुल बीन इरिटेटेड, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। अब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जो हु से शुरू होते हैं। तो देखिए जी, जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होगा वो हु होगा, उसके बाद हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब जो होगी हमारी वो हु के बाद में लेगी, तो यहाँ हैज कोल्ड जो है वो हमारी वर्ब है। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट है मेरा मी, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हमने जो हमारा ये वट वाला जो जिसमें वट सब्जेक्ट था इसको हमने चेंज किया है, ठीक वैसे हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया था, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, तो इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा मैं आई हैव बीन, क्योंकि आई के साथ हैव बीन लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कोल्ड, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद ये हु है सब्जेक्ट है हमारा, इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये होम हो जाएगा, क्योंकि हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, होम, ये मेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस बना दिया, लेकिन देखिए यहाँ पर जो वट था ये सब्जेक्ट था, तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे इसको पैसिव वॉइस में बदलने के बाद, इसको मैंने पैसिव वॉइस में बदला था तो उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस क्या किया था कि ये जो बाई वट था ये लास्ट में था, ठीक है, ये जो बाई वट था ये लास्ट में था, ये बाई वट इसको मैंने लास्ट से उठा के शुरू में रखा था, तो इसी प्रकार से मैं जो ये बाई होम है इसको उठा करके और मैं कहाँ रखूँगा, शुरू में, तो यहाँ से उठा करके और मैं इसको रखूँगा शुरू में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने एक चेंज और किया था यहाँ पर, कि जो ये हेल्पिंग वर्ब थी इसको भी मैं उठा के बाई वट के बाद रखा था हैज़ को, ठीक है, जो हैज़ है, बीन हैज़ बीन नहीं, दोनों को नहीं, सिर्फ हैज़ को, तो यहाँ पर मैं जो हैव है यहाँ पर भी मैं हैव को उठा करके और मैं कहाँ रखूँगा, बाई होम के बाद, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया, अब मेरा ये पैसिव वॉइस में बदला गया है, ठीक है। अब मैं बाई को भी बड़ा कर लूँगा, तो अब मेरा ये पैसिव वॉइस बन गया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस वट या हु से शुरू होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में होम है, तो होम तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसमें इसको आपको ठीक वैसे चेंज करना है जैसे आपने उस सेंटेंस को चेंज किया था जो वट से शुरू होता था और जिसमें वट ऑब्जेक्ट था, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको इसको चेंज करना है। तो इसमें एक बार हम इस सेंटेंस को एनालाइज कर लेते हैं, इसमें होम क्या है, होम तो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें पहले तो सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें ही, उसके बाद इसमें वर्ब,
वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है इसमें अब्यूज्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट है इसमें होम, ठीक है, ये हो गया मेरा। तो इसको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें ठीक वैसे ही चेंज करना है जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट है हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का, जो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको ये चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा होम, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हु, ठीक है, ये हु हो जाएगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो होम है और हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो होम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम हैज बीन, ठीक है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई क्योंकि हु के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, तो हु हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अब्यूज्ड, उसके बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास ही, तो इसका हो जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा हु हैज बीन अब्यूज्ड बाई हिम। तो इस तरह से हमें ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।